शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो चंद्रलेखा, तुम्हारा दुलारा बेटा अपनी सुबह की शुरुआत करने के लिए तुम्हारे पास आता ही होगा, तो रुक जाओ। तो रोको उसे मंदाकिनी, अगर उसने मुझे ये साल में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तुम चिंता मत करो चंद्रलेखा। कैसे ना करूं चिंता, मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई हैं, मेरी खूबसूरती कम हो रही है, जिसकी वजह से मेरी त्वचा झुलस कर सूखे पत्ते की तरह गिर रही है, मेरा यौवन ढल रहा है, ये सब मैं कैसे सहन करूं? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मंदाकिनी? कुछ करो, कुछ करो। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, शायद उस मूर्ति की वजह से। सुनैना की भक्ति मेरी शक्ति कम कर रही है। मानती हूँ कि उसकी भक्ति मर नहीं सकती, मगर भक्त तो मर सकता है। छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं बोल रही हूँ, मार डालूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं मंदाकिनी। नानी, कितने दिन हो गए पर तुमने हमें कोई भी कहानी नहीं सुनाई। हाँ नानी, कहानी सुनाओ ना। सुनाऊंगी बेटा, पर पहले तुम्हारी सुनैना दीदी घर आ जाए। तुम सब मिलकर प्रार्थना करो कि अम्बे माँ हमारी सुनैना को सही सलामत यहाँ भेज दे। हम रोज प्रार्थना करते हैं नानी, देखना सुनैना दीदी जरूर वापस आएंगी। और मुझे दीदी की बहुत याद आती है। मुझे भी, जब से वो गई है तब से ना नृत्य हुआ है ना ही मौज मस्ती, सब कुछ सुना सुना लगता है। पता नहीं कहाँ चले गई सुनैना दीदी। राजमहल में, कोई माने या ना माने, पर मेरी सुनैना है तो उसी अदृश्य महल। बस किसी तरह मुझे उस महल में जाने का रास्ता मिल जाए, फिर मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। माँ, माँ दरवाजा खोलिए, माँ हम आपसे मिलने हैं। माँ, अब रानी साहब सो रही है, उन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें जगाऊंगा नहीं, बस चेहरा देखकर चला जाऊंगा। हाँ राजकुमार, राजकुमार, रानी साहब थोड़े से कमजोरी महसूस कर रहे थे इसलिए आराम कर रही है। कमजोरी? कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है? हम अभी देखते हैं। राजकुमार, आप अगर उनके सामने जाएंगे तो वो उठ जाएगी, और आप तो जानते ही हैं रानी साहब आपकी आहट दूर से पहचान लेती है, तो इसलिए आप अभी वहां मत जाइए, उन्हें सोने दीजिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मुझे मेरी शक्तियां वापस नहीं मिली, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हार जाऊंगी मैं। और चंद्रलेखा हार नहीं सकती, हार नहीं सकती मंदाकिनी, हार नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति वापस कैसे मिलेगी चंद्रलेखा? डाक गुरु,
काकी, आपकी बिटिया खो गई है ना? ये आवाज तो पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, आप कौन? मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। मैंने एक 20-21 साल की लड़की को जंगल के पास जो झरना है ना, मैंने उसे वहाँ देखा था। शायद वो आप ही की बच्ची हो। झरने के पास? हाँ हाँ, मैं उस बच्ची को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पहचानता, पर गांव वालों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो आप ही की बच्ची है। गोरा रंग, लंबे बाल और हाँ, शादी के जोड़े में थी। शायद उसे वहाँ कोई अकेला छोड़कर चला गया होगा। वो मेरी बच्ची है। हाँ चलिए ना, वहाँ जाकर देखते हैं उसे। हाँ चलिए। पर मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं कैसे भरोसा करूँ किसी अनजान पर? सुनैना, तू जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ लाऊंगी। जाने का रास्ता इनमें से कोई तो होगी जो मेरी मदद कर सकती है। देखती हूँ। मैं क्या कहती हूँ, इस महल की सफाई बाहर से भी कर ही लेते हैं। वो क्या है ना, इतनी धूल उड़ती रहती है, बाहर से कितना गंदा हो गया होगा ना महल। मेरा मतलब है कि महल की सफाई पूरी तब होगी ना जब महल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चमका दिया जाए, वरना बाहर से कोई आएगा तो कहेगा ना कि कितना गंदा दिख रहा है महल, है ना? बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। आपका हाथ पूरा सूज गया है और आप इतना भारी भरकम सामान उठा रहे हैं। इसे मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आप मत कीजिए, आप जाइए। मेरी नानी सूजन कम करने के लिए हल्दी और बैंगन गरम करके लगाती थी। मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपके लिए लेप बना दूंगी, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काका, इसके बदले क्या आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? काका, मैं आपसे विनती करती हूँ, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। काकी, संदेह करना तो कीजिए, पर हर अनजान इंसान बुरा नहीं होता। मैंने जो देखा था वो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है, इससे पहले कि तारा आकर मुझे रोके, मुझे एक बार झरने के पास जाकर देख लेना चाहिए। चंपा, चंपा बेटा। हाँ रानी। बेटा जरा चलना मेरे साथ। हाँ चल।
इससे पहले कि ये बूढ़ी वापस आ जाए, मुझे इसके घर से सुनैना की जन्म पत्री ढूंढनी होगी और फिर सीधा जाकर मासी को दे आऊंगा और उसके बाद इस सुनैना की बहन की खबर लूंगा। मुझे मंत्र साधना करनी ही होगी अन्नमंदाकिनी, ताकि मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएं, वरना अधिराज को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और मेरी 21 साल की तपस्या नष्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी गुफा तक जा सकूं, इसलिए मैं इसी कक्ष में मंत्र साधना करूंगी ताकि मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएं, वरना मेरे शरीर से मेरी ये त्वचा यूं ही झुलस झुलस कर गिरती रहेगी। पता नहीं मेरी ये त्वचा कब से झुलस झुलस के गिर रही है। चिंता की बात तो ये है कि ये कहीं बाहर ना गिरी हो। लड़की चिल्ला क्यों रही हो तुम? भूत देख लिया तुमने? और हमने तुम्हें समझाया था ना, इस महल में आवाज धीमी और नजरें नीची, समझाया था ना? मैंने भी कहा था ना, राज ही राज है इस महल में। ये देखो क्या है ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये महल तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, तो तुम्हें पता होगा ना कि ये क्या है। लड़की एक तो तुम सफाई ठीक से करती नहीं हो और जबान चलाती हो कैची की तरह। दंड भूल गई क्या? माफ कीजिएगा महाराज, पर मुझ पर क्रोध करने से अच्छा है आप ये पता कीजिए कि ये चीज है क्या। वैसे देखने पर लग रहा है ये किसी इंसान की त्वचा हो, पर मैंने सुना है कि इंसान त्वचा नहीं छोड़ते, सांप छोड़ते। ये कहां से आया? ये रास्ता तो माँ के कक्ष की ओर जाता है। ध्यान रहे मंदाकिनी, मंत्रोच्चारण के समय कोई भी कक्ष में आने ना पाए। इस बार मुझे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। ठीक है चंद्रलेखा। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ राज ही राज है। ये राजमहल नहीं है, राजमहल है, राजमहल। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? राजा हो इस महल के, जाओ जाकर पता करो कि ये है क्या। चुप। एकदम चुप। तुम्हारी पक पक सुनकर ना हमारे कान भी दुखने लगे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एकदम क्या चीज है हमें समझ में नहीं आ रही है। शायद माँ को पता। माँ से पूछते हैं। माँ, 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 माँ। राजकुमार आप यहाँ? वो हम माँ से मिलने आए थे, कुछ पूछना है हमें उनसे। अब कैसी है अभी माँ? वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है।
हमें उन्हें कुछ दिखाना था। ये देखिए, क्या है ये? ये मुझे महल की सफाई करते समय मिली और भी कई जगहों पर गिरी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ और जाके अपना काम पूरा करो। राज परिवार के बीच खड़ी होकर बात करने का हक तुम्हें किसने दिया है? ये है क्या? मैं जाकर रानी साहब को दिखाती हूँ, पर अभी नहीं, अभी वो आराम कर रही है, मैं बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, अब माँ उठ जाए तो हमें बता दीजिएगा। माँ से मिले बगैर हम नहीं रह सकते, सुबह से उनका चेहरा भी नहीं देखा हमने। अरे कम से कम पूछो इनसे कि है क्या। अरे रुको, चंद्रलेखा, कहा था मैंने कि इस साधना में किसी को विघ्न डालने मत देना, और तुम खुद विघ्न बनकर आ गई। क्यों मंदाकिनी, ऐसी क्या आफत आ गई है, बोलो। चंद्रलेखा, अधिराज तुम्हारे पास आ रहा था ये लेकर। मेरे पास, मगर उसे ये कहाँ मिली? कौन कर रहा है ये? कौन है ये? ये शोर नहीं सुनना है, जाओ। चंद्रलेखा, ये क्या हो रहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? शैतानी दुनिया से मेरे लिए संदेश भेजा गया है। संदेश? कैसा संदेश? वो मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मैं अपनी शक्तियों को पाने में सफल नहीं हुई तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी, मैं फिर डाकिनी नहीं कहलाऊंगी। जब से अधिराज ने गांव के लोगों से मिलना शुरू किया है तब से महल का महत्व ही खत्म हो गया है। इतने सालों में मैंने किसी को भी महल के आसपास आते हुए नहीं देखा, और अब देखो कोई भी भटकता हुआ चला आता है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ कि महल के पास आना कितना महंगा पड़ सकता है। कुछ तो वहां पे था, फिर से देखता हूँ। आखिर वो देख क्या रहा है?
यहाँ तो पहले कोई महल नहीं था, फिर अचानक ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब महल दिखने लगा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे रानी माँ को जाकर सब कुछ बताना होगा कि उनकी शक्तियां कम होने के कारण आम लोगों को भी महल दिखने लगा है। डाक रानी हूँ मैं, डाकनी कुल की रानी। अगर मुझे मेरी शक्तियां वापस नहीं मिली तो समस्त डाकनी कुल नष्ट हो जाएगा। सभी डाकनियों की शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी, अच्छाई हावी हो जाएगी, बुराई का अस्तित्व मिट जाएगा। हम सबका एक ही सपना था मंदाकिनी, काली शक्तियों का समस्त संसार में राज हो, अच्छाई हमसे डरे, हमसे हार जाए। इसलिए शैतानी दुनिया ने मुझे मेरी शक्तियां वापस लेने की चेतावनी दी है। रानी माँ, मैं आपकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती, पर खबर ही ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। बोलो कनक। वो रानी माँ, राजमहल अदृश्य नहीं रहा, महल दिखाई देने लगा है। रानी माँ, राजमहल अदृश्य नहीं रहा, महल दिखाई देने लगा है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, बहुत बुरा। इस महल को अदृश्य करने के लिए केवल मेरी ही नहीं बल्कि कई सारी डाकनियों की शक्तियां लगी थी। पर रानी माँ, इस महल को तो आपने अदृश्य किया था। मैंने अदृश्य किया था, लेकिन इतने बड़े महल को अदृश्य करने के लिए केवल मेरी शक्ति काफी नहीं थी। इसीलिए मैंने ध्यान किया और डाकनी कुल की सभी डाकनियों से सहयोग मांगा और उन्होंने सहयोग दिया। उसके बाद उनकी शक्तियां मेरे अंदर आ गई, फिर मैंने महल को अदृश्य कर दिया। उनका सहयोग, उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि सारा महल दिखाई देने लगे, मुझे मेरे डाक गुरु से प्रार्थना करनी होगी। अब शायद उनके आशीर्वाद से ही मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएं। मुझे विश्वास है कि अब शायद मेरे डाक गुरु ही मुझे इस समस्या से उबारेंगे। मंदाकिनी, जब हम डाक गुरु से प्रार्थना शुरू करेंगे तो उसके प्रभाव से महल में कुछ बदलाव होंगे, जिसे हमें अधिराज और उस आफत से बचा कर रखना होगा। आफत? हाँ, आफत, क्योंकि वो लड़की हम सबके जीवन में आफत बनकर आई है। इसलिए जब तक ये प्रार्थना संपन्न नहीं हो जाती, हमें अधिराज और उस आफत को महल से दूर रखना होगा। कनक, अधिराज और उस आफत को बाहर भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ, क्यों नहीं, इतनी बुरी किस्मत तो मेरी ही है ना। अपने होने वाले पति को पराई लड़की के साथ बाहर भेजना होगा, वो भी अकेले। उन दोनों को जंगल में भेज कर यहाँ जल्दी वापस आना। जी, क्योंकि मुझे एक और कार्य संपन्न करना है, ताकि वो आफत हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। यही सही मौका है अधिराज, इस घमंडी लड़की को यह दिखाने का कि अधिराज के महल की सफाई करना कितनी टेढ़ी खीर है।
रुक जाओ, जरा सूखने दो। ए घमंडी लड़की, तुमने हमें रोकने की कोशिश की, दासी होकर राजा के कदम रोक रही हो? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। ओह, इसे हिम्मत नहीं बेशर्मी कहते हैं। कितनी बार समझाया तुम्हें पर तुम बाज नहीं आती हो, उलझती रहती हो हमसे। शायद अपमानित होने का शौक है तुम्हें। अब खड़ी क्या हो, अच्छे सफाई करो। कोई परेशानी है? ठीक, पर अब नहीं है, क्योंकि जब परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है तब इंसान हल निकालना सीख ही जाता है। जैसे आवश्यकता बढ़ने पर आविष्कार किया जाता है, समझे? ये समझे समझे क्या लगा रखा है? कितनी बार समझाएं तुम्हें, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। तुम दासी हो, राजा हैं, दायरे में रहकर बात किया करो। और ये क्या, काम करने की बजाय तुम बातें बना रही हो, काम चोर। सही कह रहे राजा साहब, पर क्या करूं, इस महल में इतनी गंदगी है कि मुझ जैसी मामूली दासी क्या साफ कर पाएगी। पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी नानी कहती है कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। रुक क्यों गए राजा साहब, आपको गीले में चलने का बहुत शौक है ना, तो चलिए मैंने आपके लिए और गीला कर दिया ये फर्श। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे रोकने से हम रुक जाएंगे? अधिराज के कदमों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, समझी घमंडी लड़की? ये सारी चीजें मिली पर एक भी काम की नहीं। इंसान हमारा तो याद ही इतनी संभाल कर क्यों रखते हैं? इस चक्कर में पूरा घर कूड़ादान बना देते हैं। इतना कुछ देखा पर इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे सुनैना के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस संदूक में जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कौन? अधिराज अब ठीक तो है? अगर हम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। इस लड़की ने तो आपके हाथ पर तोड़ने का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा है। जल्दी से सफाई करो यहाँ की, इसके बाद तुम्हें पूरे महल की सफाई करनी है। माँ उठ गई क्या कनक? नहीं, वो अभी भी सो रही है। तबीयत कैसी है उनकी, हमें उनसे मिलना था। हाँ हाँ, जब उठ जाएंगे तब उनसे मिल लीजिएगा। और वैसे भी रानी माँ को आपसे मिले बिना चैन थोड़े ना आने वाला है। आज सुबह से हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। अधिराज आप चिंता मत कीजिए, रानी माँ बिल्कुल ठीक है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप शिकार पे चले जाइए, आपका मन भी बहल जाएगा और हो सकता है जब तक आप वापस आए रानी माँ भी जग जाए। शिकार? हमारा शिकार करने का भी मन नहीं कर रहा है कनक। शुक्र है अम्बे माँ का, थोड़ी सद्बुद्धि तो दे दी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने बस यही कहा कि आपने शिकार के लिए मना किया तो अच्छा लगा। वैसे भी किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होती जिसे लेकर मन बहलाया जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा कनक, आज हम शिकार करेंगे और वो भी जंगल का सबसे बड़ा शिकार। अधिराज इस दासी को भी साथ ले जाइए, वैसे भी आपको तीर और धनुष उठाने के लिए कोई नौकर तो चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने कनक, हमारे मुंह की बात छीन ली।
ए दासी, चलो हमारे साथ। ना मुझे शिकार करना है और ना ही किसी का शिकार होते देखना है, इसलिए ना तो मैं जाऊंगी और ना ही आपको शिकार के लिए जाने दूंगी। तो सुन लो, तुम हमारे साथ शिकार पर भी जाओगी और शिकार होते हुए भी देखोगी, और वो भी जंगल के बड़े बड़े जानवरों का, समझे? जंगल मतलब महल के उस पार, यही मौका है। वैसे भी इसे रोक पाना मुश्किल है, हो सकता है जंगल में मुझे भागने का कोई रास्ता मिल जाए। सोच क्या रही हो? तो चलो, इसीलिए हम कहते हैं बहस करने का कोई फायदा नहीं है। दास दासियों को वही करना होता है जो राजा कहता है, इसीलिए अपनी जबान कम चलाया करो और जो हम कहें वो मान लिया करो। इससे हमारा भी समय बचेगा और तुम्हारी ऊर्जा भी। वही तो मैं भी बचाना चाहती हूँ राजा साहब। क्या? कुछ नहीं, जैसा आप कहे राजा साहब। बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में जो समय और ऊर्जा लग रही है, बस वही तो बचाना है मुझे। तो चलो। आज उस डाकिनी के कारण मुझे मेरे अधिराज को अपनी सौतन के साथ वन विहार को भेजना पड़ रहा है। अरे आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब किसी काम से आए थे? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा नानी जी से मिलता जाऊं और आपसे भी, और फिर इधर आया तो देखा ये बच्चों ने सारा सामान फैलाया हुआ था और मुझे देखकर भाग गए। ये बच्चे भी ना, नानी और दीदी ने मिलके ने बिगाड़ दिया। अब खड़े क्यों है? बैठिए ना, कल भी आप बाहर से ही चले गए थे। अधिराज और उस आफत के आने से पहले मुझे अपने सारे कार्य संपन्न करने हैं। माँ, इस डाकनी से पूछो ना कि मैं इसे रसोई क्यों लेके जा रही हूँ, कहीं उसे खाना तो नहीं बनवाने वाली। चुप हो जा चुड़ैल के बच्ची, कहीं सुन लेगी वो। चल चुपचाप चल। चंद्रलेखा, क्या हुआ? हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये इस मूर्ति को यहाँ से बाहर निकालना है। चलो उठाओ इसे और महल से कहीं दूर जाकर रख दो इसे। ये संभव नहीं है चंद्रलेखा, इसके नाम से हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। अगर इसे छू लिया तो पता नहीं क्या होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की चुड़ैल कहीं की? याद रखो, तुम्हारा काम है मेरे इशारों पर नाचना, तो जो जो कहती जाओ वो करती जाओ चुपचाप। चलो।
चंद्रलेखा, देखो मेरी बात को समझो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और मुझे नहीं सुनना नहीं पसंद है मंदाकिनी, इसलिए किसी भी हाल में तुम्हें इस मूर्ति को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर चाहे तुम्हें झटके लगे या तुम खत्म ही क्यों ना हो जाओ, बस मेरा काम होना चाहिए। माँ, मैं आपकी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। हाँ। काम नहीं हो पाया तुम दोनों चुड़ैलों से, ये काम भी मैं ही करूं? पानी क्यों पाल के रखा है मैंने तुम जैसे निकम्मों को? रानी माँ, कोशिश तो की हमने। कोशिश? कोशिश वो होती है जो कामयाबी दिलाए, वो नहीं जो हार का मुंह दिखाए। देख ली तुम्हारी कमजोर कोशिश, ये देख के लगता तो नहीं है कि तुम कभी सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन पाओगी। देखा चंद्रलेखा, तुम्हारी कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, नहीं कामयाब हो पाई क्योंकि मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, वरना ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल था। देखो मेरी बात को समझो और ठंडे दिमाग से सोचो, इस मूर्ति को यही रहने दो। इससे पहले कि मेरे गुस्से का कहर तुम दोनों पर बरसे, उठाओ उस मूर्ति को और ले जाओ बाहर महल से। मैं किसी दास को बुला के लाती हूँ। तुम क्या पूरा दिन हमारी बातें सुनते रहते हो? अपना काम करो, जल्दी करो, समय नहीं है मेरे पास। मेरी शक्तियां और भी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ये महल दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मूर्ति यहां नहीं दिखनी चाहिए। से खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ उठाओ इसे। अच्छा, तो अब तुम करोगे घुड़सवारी?
राजसी लोग हाथी घोड़े की सवारी करते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। चुपचाप चलो मेरे साथ। मौसम कितना सुहाना है, शिकार करने में बहुत मजा आएगा। अभी कोई महल नहीं दिखाई दिया। हे अंबे माँ, इतने बड़े महल पर मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी। इतनी बार गुजरी हूं मैं इस रास्ते से, पर यहां तो कोई महल था ही नहीं। फिर अचानक एक बड़ा ही सुंदर महल था, राजमहल। डाकिनी ने मंदिर के शुभ असर से राजकुमार और खुद को बचाने के लिए ऐसा मंत्र पढ़ा कि रातों रात वो महल गायब हो गया। शायद नानी सही कह रही थी, ये वही अदृश्य महल है। क्या बड़बड़ा रही हो? अब समझा, तुम अंबे माँ से प्रार्थना कर रही हो कि जंगल के सारे जंगली जानवर अदृश्य हो जाए ताकि हम शिकार ना कर पाए। तो सुन लो, आज ऐसा शिकार करेंगे हम, ऐसा शिकार करेंगे तुम देखती रह जाओगी। तुम पहले जरा रास्ता देखो, वरना ऐसा ना हो इस घने जंगल में भटक कर जंगली जानवर के बीच जा पहुंचो। इतना तो पता होगा ना तुम्हें, जंगली जानवर भी जानते हैं शिकार करना। दिनों बाद इस आसाद हवा में सांस लेने का मौका मिला, वरना उस रहस्यमय महल में तो जैसे दम घुटता था। क्या कहा था तुमने कि तुम हमें शिकार करने से रोकोगी? अधिराज को रोकने का स्वप्न देख रही थी ना, अब तुम्हें पता चलेगा अधिराज कितना बड़ा शिकारी है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले सुनैना, एक बार यहाँ से भागने में कामयाब हो गई ना तो दोबारा इनकी सूरत देखनी नहीं पड़ेगी और ना ही शिकार। वो मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन नानी जी के आने से पहले मुझे शायद चला जाना चाहिए। क्या है ना कि उनको शायद अच्छा ना लगे आपके साथ ऐसे अकेला देखकर। अरे नहीं नहीं, नानी बहुत अच्छी है, लोगों से बहुत प्यार करती है। वो तो बस जब से दीदी का अपहरण हुआ है तब से उनका हर इंसान पे भरोसा उठ गया है। बहुत बुरा लगा आपकी दीदी के बारे में जानकर, और आपके माता पिता को भी दुख हुआ होगा ना। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए तो नानी ही सब कुछ है। चंद्रलेखा, तुम्हें बहुत जल्दी उस लड़की के बारे में सब पता चल जाएगा।
जहां तो रास्ता खत्म है, अब हम आगे कैसे जाएंगे? शाली परम आदरणीय, हम सबके सहायक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे महागुरु डाक गुरु की सदा ही जय हो। डाक गुरु की साधना शुरू करूंगी। डाक गुरु? पर रानी माँ, हमें तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। डाक गुरु सबको दिखाई नहीं देते, अगर उनकी इच्छा होती है तो उनको कोई देख पाता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनको देखना संभव नहीं है। यहाँ अपने डाक गुरु से प्रार्थना करने आई हूँ, क्योंकि वही हैं जो मेरी त्वचा को झुलस कर गिरने से रोक सकते हैं और मुझे मेरी शक्ति वापस दिला सकते हैं। शिष्या चंद्रलेखा आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करने आई, सुन लीजिए पुकार और लौटा दीजिए मुझे मेरी शक्तियां। मेरे डाक गुरु का संकेत। जैसे जैसे डाक गुरु मेरी साधना से प्रसन्न होते रहेंगे, वैसे वैसे मुझे मेरी शक्तियां वापस मिलती जाएंगी, और वो सारी शक्तियां इसमें इकट्ठी हो जाएंगी।
नानी कहती है मेरी माँ रानी साहब की सबसे अच्छी दोस्त थी। लगता है संदूक में नानी ने तुम्हारे बचपन की सारी यादें सहेज कर रखी होगी ना। हाँ दिखाती हूँ, आप मेरी माँ बाबा की तस्वीर देखेंगे। नानी हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं पर सुनैना दीदी कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है वो बाबा झूठ बोल रहे थे या फिर उन्होंने किसी और को देखा होगा। नहीं बेटा, उन्होंने कहा था ना कि वो शादी की जोड़ी में देखा था और उसके लंबे बाल थे। हाँ पर नानी मैंने कहा ना सुनैना दीदी यहाँ नहीं मिलेगी। शुभ शुभ बोल बेटा, हम लोग थोड़ी दूर और चलते हैं। हाँ पर तू भी तो चाहती है ना कि तेरी दीदी तुझे मिल जाए। हाँ थोड़ी देर और ढूंढते बेटा। हाँ ठीक है, घर जाकर ना मैं ना तुझे हलवा बनाकर खिलाऊंगी। हाँ पर नानी। थोड़ी देर और बेटा, मेरा दिल कहता है ना कि मेरी सुनैना यही कही है। बेटा तू मेरी आंख बनकर आई है ना, तू ये थक गई तो। मैं थकी नहीं हूँ नानी, बस मुझे लग रहा है हमें अब चलना चाहिए। मुझे भी जल्दी है बेटा, तारा ना अकेली है घर पे, बस थोड़ी दूर और चलते। हो सकता है कि इसके बाद अब सुनैना दीदी को लेकर ही घर लौटे। हाँ चल चलो बेटा चल। मुझे सच में बहुत बुरा लगा तुम्हारी दीदी के बारे में जानकर। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो मेरे पास एक घोड़ा है जिस पर बैठकर हम पूरा जंगल छान मारेंगे और गांव वालों से भी पूछेंगे। इसमें ज्यादा समय जाएगा नहीं। सच? हाँ तारा। फिर तो मैं दीदी को जरूर ढूंढूंगी। वैसे भी जैसे नानी ढूंढ रही है ना, मुझे नहीं लगता कि दीदी मिल पाएंगी। फिर देखना मैं दीदी को ढूंढ के लेकर आ जाऊंगी और नानी भी समझ जाएगी कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ा काम भी कर सकती हूँ, है ना। मैं बस अभी आई। तुम बच्ची नहीं बल्कि बेवकूफ हो। अब तो मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी दीदी से मिलवाऊंगा। बस मौका मिलते ही मैं यहां से फरार हो जाऊंगी। ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती हो? उठाओ इसे। और तुम्हें यहाँ पर वन विहार कराने नहीं लाए, सहायक बनाकर लाए, इसलिए हमारे आदेश का पालन करना सीख लो वरना। उठाओ इसे। क्या बात है अधिराज, शिकार खुद शिकार बनने चला आया। अब इसमें तेरी क्या गलती है, चला तीर। और वैसे भी इस शिकार को मारने में बहुत मजा आएगा। तो हमने कहा तीर धनुष दो हमें। हाँ
ये क्या उद्दंडता है? हटो सामने से। हमने कहा था ना, ना हम आपको शिकार करने देंगे और ना ही किसी को शिकार होते देखेंगे। बकवास बंद करो और हटो सामने से। मर जाएंगे पर इन मासूम जानवरों को मरने नहीं देंगे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मुझे लगता है कि नानी को बिना बताए जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी नानी घर आती ही होंगी और वो घर आएंगी और मुझे नहीं देखेंगी तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी, इसलिए अभी रहने देते हैं। हटो सामने से। पहले इस तीर को हटाओ। मैंने बोला जाओ यहाँ से। हाँ, पहले उस मासूम जानवर को जाने दो। हमारे पैरों में गिरना और आदेश का पालन करना सीख लो, वरना हम तुम्हें भी मारेंगे और उस जानवर को भी। तीर दो। सुनैना, कहाँ चली गई है लड़की? अम्मा को क्या जवाब देंगे हम? यहीं कहीं गई होगी, ज्यादा दूर नहीं जा सकती वो। उसे अभी पकड़ कर लाते हैं। किधर है? माँ, एक बार रानी माँ की शक्तियां पूरी वापस आ जाएंगी तो आप जल्दी ही मेरे विवाह की बात कर लेना, वरना पता नहीं कब तक मुझे अपने होने वाले पति को अपनी सौतन के साथ देखना पड़ेगा। पता नहीं वो दोनों जंगल में क्या कर रहे होंगे। तो चिंता मत कर, मैं चंद्रलेखा से बात करूंगी। तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या?
वो आप कीड़ा था, तुम्हें क्या लगा? मैं कोई वैसा इंसान नहीं होता रहा जो मासूम लड़कियों का फायदा उठाता हो। मैं बहुत अच्छे खानदान का बेटा हूं, जहां औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, जहां औरतों का आदर करने की सीख भी दी जाती है, इसलिए मुझे कभी उस घुड़सवार जैसा मत समझना। रुक जाओ, हमने देख लिया है तुम्हें। रुक जाओ वरना जान से मार देंगे। बेटा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, आप इस पेड़ के पास बैठ जाओ। यहाँ? हाँ। हाँ। देखा रानी, तुम भी थक गई ना, अब चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरी बूढ़ी नानी ने तुझे बहुत थका दिया, मैं भी थक गई हूँ। मेरी सुनैना मुझे नहीं मिली, अब भी क्यों मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मेरी बच्ची यही कही है। हे अंबे माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना।